And to the आज के वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं स्टडी करने वाले ऑफन रेफर किया जाता है रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री के पर भी। हमारे वीडियोज में अक्सर हम बात करते रहते हैं इंडिया के ग्रोइंग थीम्स के ऊपर जहां पर बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हो रहा है ये कहकर इन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल नजर आता है जैसे की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में हम अक्सर बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यबल एनर्जी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया बायोफील इंडस्ट्री होगी इन सब के बारे में हम अक्सर बात करते आए हैं लेकिन एक थीम है एक ऐसी इंडस्ट्री है हमारे देश में जिससे जब भी हम अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं अक्सर उस पर ध्यान नहीं देते हैं दैट दैट इज इज द द इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री वन ऑफ लार्जेस्ट एंड मोस्ट ल्यूक्रेटिव सेक्टर इन आवर कंट्री तो रिसेशन आए या फिर ना आए ओवरऑल इस इंडस्ट्री के ऊपर ऐसा ज्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है क्योंकि शादियां तो होती ही रहने वाली है आगे भी और हम इंडियन शादियों में खर्चा भी दिल खोल करते हैं क्योंकि हम ग्रैंड सेलिब्रेशन चाहते हैं बड़े फंक्शन चाहते हैं जिसमें मल्टीपल डेज ऑफ सेरेमनीज इन्वॉल्व होती है लार्ज गेस्ट लिस्ट होती है एक्स्ट्रा वेगन वेन्यूज होते हैं और कुछ लोग डेस्टिनेशन वेडिंग भी प्रेफर करते हैं कोई छोटे से छोटा फंक्शन भी करे तो एक एवरेज इंडियन वेडिंग में बारह से पंद्रह लाख तक का खर्चा आता ही है इसी वजह से मैंने वीडियो की शुरुआत में इस इंडस्ट्री को रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री कहते हुए रेफर किया था एनुअली बात करें तो 10 मिलियन वेडिंग्स हमारे देश में हो रही हैं हर साल दैट मींस इट इज

एंड वीडियोग्राफी इसी वजह से देखने को मिल जाता है तो ऐसे में इस वेडिंग सीजन में कुछ कंपनी जो बहुत ही ज्यादा फायदे में रहने वाली है और इन कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट नंबर में भी अच्छा खासा राइज हमें देखने को मिल जाता है तो ऐसे में में एक रिटेल इन्वेस्टर को भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, इस करती है उन्हें करना ताकि उनके हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करती हैं तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी जो एक मैरिज में सबसे बड़ा खर्चा होता है दैट इज गोल्ड का क्योंकि गोल्ड को लोग अच्छा मानते हैं गिफ्ट करने के लिए भी और बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो इस सेगमेंट में काम कर रही हैं

ऑफर करता है लगातार कंपनी अपनी प्रेजेंस को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पर ही स्ट्रॉग कर रही है और टीयर वन टियर टू एंड टीयर थ्री सिटीज में एक्सपैंड भी कर रही है जिस वजह से हर किसी के लिए प्रीमियम ज्वेलरी असेस करना बहुत ज्यादा आसान हो चुका है फंडामेंटली देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग कंपनी यहाँ पर यह देखने को मिलती है इनके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में क्लियर कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट नंबर में ग्रोथ देखने को मिल जाती है अर्निंग पर शेयर लगातार ईयर आफ्टर ईयर ग्रो कर रहा है लेकिन अभी के लिए यहाँ पर जो पी रेशियो है वो काफी ज्यादा हाई देखने

बात कर लेते हैं तो पिछले कुछ सालों से देखिए आप FI 22 के मुकाबले कंपनी ने अपने नेट सेल्स को डबल किया है, तक अगर देखा और तो पब्लिक होल्डिंग्स, होल्डिंग्स जो है वो सिर्फ सिक्स के आसपास की है यहां से कंपनी के असली स्ट्रेंथ का अंदाजा हमें मिल जाता है आप भी जरूर एक बार अं� इस कंपनी के बारे में खुद से जरूर रिसर्च और एनालिसिस कीजिए और आपका जो भी ओपिनियन है वो आप हमारे साथ कमेंट्स के थ्रू जरूर शेयर कीजिएगा तो और, साथ और बेलाइकन हिट करना ना भूले ताकि आगे जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो हम पोस्ट करें उसकी टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे अब शादियों में जो दूसरा बड़ा खर्चा आता है वो आता है कपड़ों पे तो यहाँ पर वेदांत फैशन लिमिटेड एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन जाता है एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और लीडिंग इंडियन एथनिक कंपनी है जो अपने पॉपुलर ब्रांड मानेवर के लिए जानी जाती है कंपनी का फोकस ट्रेडिशनल इंडियन पर है जो वेडिंग और फेस्टिव के लिए परफेक्ट होता है बिकॉज ये प्रीमियम क्वालिटी के साथ साथ स्टाइलिश और ट्रेडिशनल प्रोवाइड करते हैं शेरवानी कुर्ताज लहंगा साड़ीज एंड इंडो वेस्टर्न आउटफिट ऑफर करते हैं इनके मल्टीपल ब्रांड्स भी हमें मार्केट में देखने को मिल जाते हैं जैसे मानेवर जो कि स्पेशली मेन्स वेडिंग वेयर के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है एक है मोहे जो इनका ब्रांड है ये वुमेन एथनिक वेयर की वाइड रेंज ऑफर करता है एक मिबाज करके इनका लग्जरी एथनिक वेयर ब्रांड है और मंथन इनका एक ब्रांड है जो बहुत ही अफोर्डेबल रेंज ऑफ क्लोदिंग ऑफर करता है रिटेल प्रेजेंस की जहां तक बात आ जाती है तो जो वेदांत फैशन का इंडिया और ओवरसीज दोनों ही मार्केट्स में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिटेल नेटवर्क है जिसमें फाइव प्लस स्टोर्स है इनके टू प्लस सिटीज में इंक्लूडिंग टीयर वन टीयर टू एंड टीयर थ्री सिटीज इनका ऑनलाइन प्रेजेंस भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाता है इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री में इस कंपनी का एक बड़ा हिस्सा है क्योंकि मानवर और मोहे वेडिंग तो in का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं यहाँ पर एफआई ट्वेंटी से एफ तक कंपनी के सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही अच्छे से ग्रो किए में भी राइज होता हुआ देखने को मिला लेकिन एफ आई के लिए देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दो परसेंट से डिक्लाइन हुआ है और सेल्स भी एफआई ट्वेंटी थ्री जितना ही हमें देखने को मिला है बढ़ा है लेकिन ऐसा कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज हम इसे नहीं कह सकते और नेट प्रॉफिट नंबर जो है है उसमें तो डिक्लाइन दिखा गया 74.97% की हाई होल्डिंग जरूर इस कंपनी में देखने को मिल जाती हैं और साथ ही साथ 9% के आई और 11.89% पॉइंट की होल्डिंग्स भी देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा इस सेगमेंट में मैं बात करूं तो रेमंड लिमिटेड है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड है और अरविंद फैशन है जिन कंपनीज को भी डेफिनेटली हम स्टडी कर सकते हैं इनके ऊपर आजकल ये ऑनलाइन मैच काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है इवन हसल फ्री है इंटरनेट और मोबाइल प्लेटफॉर्म के थ्रू मैच आजकल बहुत ही ज्यादा आसान हो चुकी है ऐसे में इन कंपनीज को बहुत ज्यादा फायदा मिल जाता है यहां पर मैट्री के बारे में बात करना चाहूंगी क्योंकि ये इंडिया की नंबर वन ऑनलाइन मैच मेकिंग कंपनी है जो इंडियन वेडिंग मार्केट में अपनी स्ट्रॉग ऑनलाइन प्रेजेंस और पर्सनलाइज ऑफरिंग के थ्रू काफी ज्यादा पॉपुलर है और नंबर की अगर बात की जाए तो यहां पर जबरदस्त बना रहे हैं कंसिस्टेंट ईपीएस ग्रोथ देखने को मिल जाता है सभी सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ नंबर भी देखें तो डिसंबर्स देखने को मिल रहे हैं बट अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हो कंपनी का तो इसमें बहुत ही स्ट्रेंथ देखने को मिल जाती है कंपनी के पोटेंशियल का एक अंदाजा हमें मिलता है क्योंकि आप देखो फिफ्टी

इसमें भी मेजर एक्सपेंसेस हमें देखने को मिलते हैं जहां पर हमें होटेल इंडस्ट्री पे फोकस करना जरूरी हो जाता है, इन को करना जरूरी हो जाता है। तो सीधा प्लेयर को मिल जाएंगे जैसे इंडियन होटल कंपनी ई लिमिटेड यानी कि ईस्ट इंडियन होटल्स लेमन ट्री जेनेपर होटल्स जैसी कंपनीज हैं मेनली मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहूंगी यहां पर ई लिमिटेड के बारे में यानी कि ईस्ट इंडियन होटल्स के बारे में क्योंकि अगर आप इनके पेयर कंपेरिजन को ध्यान से यहाँ पर समझने की, तो की तो आसपास का है और इस पॉइंट पे देखें तो पी बहुत हद तक करेक्ट भी हो चुका है लेकिन अर्निंग पर शेयर जो है वो लगातार बढ़ रहा है और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट भी स्टडी किया जाए तो आप देखो एफ आई ट्वेंटी वन के बाद क्या बढ़िया राइज इनके सेल्स में हमें देखने को मिला है अभी तक पिछले 10 से 11 साल के लिए ऑब्जर्व किया जाए तो ये ऑल टाइम हाई सेल्स और प्रॉफिट नंबर्स यहाँ पर इस कंपनी के देखने को मिल रहे हैं ओवरऑल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में क्लियर ग्रोथ नजर आ रही है शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं एक बार थर्टी की प्रोमोटर होल्डिंग दिखाई दे रही है साथ ही साथ फाइव पॉइंट एंड थर्टीन पॉइंट भी इस कंपनी में इन्वेस्टेड है बिजनेस की बात करना जरूरी हो जाता है तो चलिए ब्रीफली

सर्विसेज और हाई क्वालिटी अकोमोडेशन के लिए ही है जिसे हम ध्यान में नहीं रखते हैं और समझने की कोशिश की ताकि आगे की ग्रोथ पोटेंशियल का एक अंदाजा लगाया जा सके आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सी कंपनी बेस्ट लगी है लेकिन ये पूरा डिस्कशन हमने सिर्फ और सिर्फ नॉलेज शेयरिंग पर्प से ही किया है यहाँ पर कोई भी बाय से मेरी ओर से नहीं था क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च चैनलिस्ट या फिर एडवाइजर नहीं हूँ तो आप अपनी इनवेस्टमेंट अपने खुद के रिसर्च और एनालिसिस के बेसिस पर ही प्लान कीजिए आप कितना रिस्क उठा सकते हैं उस आधार पर अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिएगा आज का वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और हमारे चैनल डाइवर्सिफाई नॉलेज के साथ साथ डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आज के लिए इतना ही जल्दी मिलेंगे एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केयर थैंक यू for watching